सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं दिन के अप्रॉक्स आपका 2:30 बज के। क्या बोला तूने? आज मौसम खुला और थोड़ा बहुत हमें धूप देखने को मिली। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कुछ वीडियो में पहले बताया था कि जो राहुल भाई हैं उनके मैच होने वाले थे, फुटबॉल मैच, तो वो 3 दिन से रुके हुए थे, यानी कि डिले हो गए थे। तो फाइनली आज जो है फुटबॉल मैच उनका होने वाला है। तो उसके लिए मैं उस दिन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट क्या करें यार, 3 दिन वेट करना पड़ा भाई। 3 दिन से मैच नहीं हुआ यार, आज फुटबॉल नहीं, फुटबॉल भी नहीं छुए भाई ने। और एक्साइटेड हूँ और कुछ खास मेहमान भी हैं जो कि अभी हमें देव सिंह फील्ड में मिलने वाले हैं, तो उनसे भी आप लोग की मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा। तो यार आज फाइनली मतलब कई दिनों बाद धूप देखने को मिल लिया। तो यार वहाँ खिलाड़ी भी पहुँच गए ग्राउंड में, तो अभी हम भी लेटर हैं, तो इसलिए थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और आप लोग को मिलता है डायरेक्ट जो आपका देव सिंह ग्राउंड है वहाँ पे को। तो 3, 2। सो फाइनली यार मैं पहुंच गया आपका देव सिंह ग्राउंड में और मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि कुछ अपने खास दोस्त हैं उनसे आप लोग की मुलाकात करवाऊंगा। तो इस सीरीज में सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं हमारे एक भाई से जिनका नाम है आपका ऋषि, जो कि अभी एकदम तैयार है, रेडी हो गए हैं आपका खेलने के लिए और अभी गेम जो है वो 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो ऋषि ब्रो, और कहाँ से आप? मैं भाई देहरादून। देहरादून से? तो अभी मैं जिन जिन से मिलवाने वाला हूँ ना, ये सारे लोग जो है आपका कॉर्बेट एफसी से खेलते हैं, जो कि आपका मुंशारी में मैच चले थे थोड़े दिनों पहले, तो वहाँ भी आए हुए थे। तो इसी सीरीज में आपका दूसरे भाई हमारे साथ हैं यहाँ पर को, ऋतिक वालिया भाई, ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया। हाँ। और कुछ कहना चाहोगे हमारे दोस्तों को? कुछ नहीं, बस मैच निकालते हैं। हाँ, मैच तो मतलब निकालना है तगड़ा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, ओके। और थर्ड उसमें है सीरीज हमारे भुवन भाई, और हमारे भुवन भाई क्या हाल है? ये मेरे को वैसे पहले से जानते हैं, जब मैं आपका स्टैंड फिजिकल देने के लिए गया था। हाँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब जीत के आना, ठीक है, ओके। हाँ। एक हमारे अज्जू भाई हैं, उनसे आप लोग की मुलाकात करवाते। और भाई कैसे हो अज्जू भाई? ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो सामने आप लोग देख रहे हैं वो आपका AFC की टीम है, जो कि आपका अभी वार्म अप वगैरह चल रहा है उनका। और याली साइड जो आप लोग देख रहे हैं ये अभिन वाली टीम है, जिससे राहुल लोग आपका सारे भाई लोग खेल रहे हैं, इनका भी वार्म अप चल रहा है। और जो मतलब ग्राउंड है ना वो वाली वाली साइड पे तो हल्का हल्का ठीक हो रहा है, लेकिन याली साइड पे भी देखेंगे आप यहाँ पे को, ये यहाँ पे को मतलब पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है ये याली साइड। आप लोग चेक करें पूरा, ये जो लाइन है ये अभी जस्ट डाल रखी है आउटसाइड वाली लाइन। तो फाइनली गेम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और जो आप लोग याली साइड टीम देख रहे हैं जो जुगनू कलर की है, वो टीम आपका बिड़ की है, पहले ही कर दिया। और याली साइड जो है वो आपका AFC है। बढ़िया, ओए 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 ओए
अरे बढ़िया भाई, चांस था अभी यार। चांस था अभी यहाँ पे को बिन के पास, बट गोल नहीं हो पाया, गोल पोस्ट के ऊपर से चलेगी गोल। ओए तो यार गेम का पहला जो हाफ था वो तो कंप्लीट हो गया, और दोनों टीम का जो मैच चल रहा है वो दोनों का खतरनाक वाला टक्कर का चल रहा है। अब देखते हैं इस वाले हाफ में मतलब किस टीम का पहला गोल पड़ता है, वरना अदरवाइज अगर दोनों की टीम का अगर बराबर रहता है यानी इक्वल रहता है तो फिर उसके बाद पेनाल्टी होगी। पंद्रह के बगल में बढ़िया बढ़िया था यार भाई, बॉल एकदम गोल में घुस रही थी यार, जी ने बहुत बढ़िया सेव करा। ओए बढ़िया ओए बढ़िया मैदान में। तो यार दोनों में से किसी भी टीम का गोल नहीं पड़ा, अब होने वाला आपका पेनाल्टी शूट आउट। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा क्लोज से, क्योंकि क्लोज से थोड़ा अच्छे से पेनाल्टी शूट आउट जो है वो दिखेगी। तो जो पेनाल्टी शूट आउट वो याली साइड होने वाली है। ओए ओए बढ़िया ओए
बाहर मार दी। दोनों साइड के दो दो गोल छूट गए और अब राहुल भाई हमारे आए हैं। राहुल गो। ओ बढ़िया। बीड़ के खिलाड़ी अली साइड, इन्होंने भी 10 पेनाल्टी मार लिया। उधर साइड आपका एफसी की टीम, उन्होंने भी आपका 10 पेनाल्टी मार लिया। अब गोलकीपर की बारी है, गोलकीपर एक दूसरे के खिलाफ पेनाल्टी मारेंगे। बढ़िया। तो यार यहाँ पे जो पेनाल्टी हुई ना, वो दोनों पेनाल्टी इक्वल हो गई है। अब देखते क्या होता है, मेरे ख्याल से दोबारा से पेनाल्टी कराई जाएगी। तो मैच हो रहा ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक लेवल। तो यहाँ पर वो पेनाल्टी जो है दोबारा से स्टार्ट हो गई है। बढ़िया। स्टाइल है बाबू भैया राजू का। भाई यार मतलब वो कहते हैं ना, जान हथेली पर आ जाना, तो वैसा ही कुछ हिसाब हुआ आज का। मतलब जो मैच था ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे गया था। क्योंकि यार देखो, जब मैच होता है या तो उसमें एक ना एक टीम से गोल पड़ता है, बट एक भी टीम से कोई गोल नहीं पड़ा। उसके बाद फिर पेनाल्टी में भी 11 खिलाड़ियों ने पूरा गोल मारे, लेकिन किसी का गोल नहीं पड़ा। फिर दोबारा से जो पेनाल्टी हुई, उसमें एक गोल जो सेव हुआ बीड़ी की टीम थी, उस टीम के द्वारा करा गया। उसके बाद जो दूसरी टीम थी वो गोल नहीं कर पाई, इस वजह से जो आपका बीड़ी की टीम थी वो फाइनली जीती है। अभी फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। उम्मीद और आशा है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा। और अगर चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।